हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। सोमवार है, आपको पता है बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। उपस्थित हो चुके हैं नए वर्ड्स के साथ, सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। साथ में मन में कोई दुविधा रह जाए, कोई सवाल हो, इंग्लिश से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो कमेंट में लिखने से झिझकिएगा नहीं, जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट टूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए शब्द को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला वर्ड लिया गया है वो है फैनफेयर। फैनफेयर नाउन की तरह प्रयोग होता है और फैनफेयर का मतलब है अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्कशन इन द मीडिया टू सेलिब्रेट समवन और समथिंग। मतलब है कि अगर किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा हो, मीडिया में आ रहा हो, लोगों को बताया जा रहा हो, बहुत सारी एक्टिविटी की जा रही हो, इसका मतलब है, साधारण भाषा में हम कहते हैं धूमधाम। तो फैनफेयर का सीधा सीधा मतलब है धूमधाम से। या फिर आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई इंपॉर्टेंट राजा रानी या कुछ भी ऐसा आता है तो उस समय में एक विशेष प्रकार का ऐसे टेढ़ा वाला जो वाद्य यंत्र होता है, इसको तुरही कहते हैं, उसकी नाद, यानी तुरही नाद मतलब है आवाज, एक शॉर्ट लाउड पीस ऑफ म्यूजिक होता है, उसके लिए भी हम फैनफेयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अ शॉर्ट लाउड पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज प्लेड टू सेलिब्रेट समवन और समथिंग इंपॉर्टेंट अराइविंग। अगर कोई इंपॉर्टेंट आ रहा हो तो उस समय जो एक शॉर्ट लाउड पीस ऑफ म्यूजिक बजाया जाता है उसके लिए भी हम फैनफेयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फैनफेयर का मतलब है धूमधाम से। क्या है? क्या लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्कशन इन द मीडिया टू सेलिब्रेट समवन और समथिंग। सिनोनिम की बात करें तो पॉम्प ग्लिट्ज एंड डैजल क्या हो जाएगा? पॉम्प ग्लिट्ज एंड डैजल इसके सिनोनिम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी। कुछ भी अगर सिंप्लिसिटी से जुड़ा हुआ कोई और शब्द भी आपके पास है तो आप भी उसको फैनफेयर के एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। तो फैनफेयर जिसका मतलब है धूमधाम या तुरही नाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड एमिड मच फैनफेयर वर्ल्ड वाइड। क्या है? द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड एमिड मच फैनफेयर वर्ल्ड वाइड, मतलब है पूरे वर्ल्ड में जो लॉन्च किया गया काफी धूमधाम से किया गया। तो पहला शब्द जो इस पेज पर आया वो है फैनफेयर, जिसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्कशन इन द मीडिया टू सेलिब्रेट समवन और समथिंग। चले अगला जो शब्द है वो है डिलिजेंट। डिलिजेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, मतलब है अपने वर्क और ड्यूटीज में केयर और एफर्ट का दिखना। अगर किसी के काम में केयर दिख रहा हो काम के प्रति और एफर्ट दिख रहा हो, उसका मतलब है कि वो परिश्रमी है ना। सिंपल सा है, परिश्रमी, सावधान और कर्मठ, इस अर्थ में हम डिलिजेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इंडस्ट्रियस, एसिडुअस एंड सेडुलस क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस, एसिडुअस एंड सेडुलस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें लेजी, लेटेंट, इनएक्टिव एंड डायलेट्री क्या हो जाएगा? लेजी, लेटेंट, इनएक्टिव एंड डायलेट्री डिलिजेंट के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर लॉयर वॉज एक्सट्रीमली डिलिजेंट इन प्रिपेयरिंग देयर केसेस। क्या है? देयर लॉयर वॉज एक्सट्रीमली डिलिजेंट इन प्रिपेयरिंग देयर केस। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है डिलिजेंट, इसका मतलब होता है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, मतलब है परिश्रमी, सावधान और कर्मठ, इस अर्थ में हम डिलिजेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कैंडिड। कैंडिड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और कैंडिड का मतलब है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक और ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, मतलब है कि आप जो सोचते हैं वही कह देना। ये वही कर सकते हैं जो सच्चे हों, ईमानदार हों, मुंहफट हों, ठीक है, जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनकी बातों से नाराज हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, जो मन में है वो कह दिया, मतलब है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक और ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। खुले दिल का, स्पष्टवादी, तटस्थ और निर्भीक, ऐसे लोग को हमेशा निर्भीक माना जाता है कि भैया वो किसी की नहीं सोचते हैं, जो है वो कह देते हैं। सिनोनिम की बात करें तो आउटस्पोकन, फोर्थराइट एंड ब्लंट क्या हो जाएगा? आउटस्पोकन, फोर्थराइट एंड ब्लंट इसके सिनोनिम के कैंडिडेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो सीक्रेटिव, गार्डेड और इनसिंसियर क्या हो जाएगा? सीक्रेटिव, गार्डेड एंड इनसिंसियर कैंडिड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टू प्रेसिडेंट हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस। क्या है? टू प्रेसिडेंट्स हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है कैंडिड, इसका मतलब है सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक या फिर ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, इस अर्थ में हम कैंडिड का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, मतलब किसी चीज को किसी दूसरे का हिस्सा बना देना, मतलब है उसमें शामिल कर देना, है ना, मतलब है समाविष्ट करने के अर्थ में। टू मेक समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, टू हैव समथिंग
एज अ पार्ट, मतलब है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का को, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का हिस्सा बना देना, अंश बना देना या शामिल करना, समाविष्ट करना। सिनोनिम की बात करें एम्बॉडी, इंक्लूड, कंप्राइज एंड एनगल्फ, क्या हो जाएगा? एम्बॉडी, इंक्लूड, कंप्राइज एंड एनगल्फ। इस अर्थ में हम इसको जो है सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं इनकॉर्पोरेट के। एंटोनिम की बात करें तो सेपरेट, डिस्पोज, डिवाइड एंड एक्सक्लूड, क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिस्पोज, डिवाइड एंड एक्सक्लूड। जब शामिल करें तो हटाना, फैलाना, छांट देना, इस अर्थ को हम यानी सेपरेट, डिस्पोज, डिवाइड एंड एक्सक्लूड इसको इनकॉर्पोरेट के एंटोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट सेवरल न्यू, नहीं इनकॉर्पोरेट नहीं, यहां पर इनकॉर्पोरेट एक मिसप्रिंट है यहां पर। दिस एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर्स, है ना, क्या है? दिस एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट सेवरल न्यू सेफ्टी फीचर्स। तो इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इनकॉर्पोरेट, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, मतलब है शामिल करना, समाविष्ट करना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है ये है फोरटेल। फोरटेल वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब ये कहना कि भविष्य में क्या होने वाला है, मतलब है पहले से कुछ कह देना या भविष्यवाणी करना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं फोरटेल का, भविष्यवाणी करना या पहले से कहना। सिनोनिम कहें प्रेडिक्ट, फोरकास्ट एंड ऑगर। सॉरी, सिनोनिम की बात करें प्रेडिक्ट, फोरकास्ट एंड ऑगर, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें कंसील, हाइड एंड सप्रेस, क्या हो जाएगा? कंसील, हाइड एंड सप्रेस, एक अर्थ में फोरटेल के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लेडी फोरटोल्ड दैट अ ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर ले अहेड फॉर हिम, क्या है? द लेडी फोरटोल्ड दैट अ ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर ले अहेड फॉर हिम। इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है टू से व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब है भविष्यवाणी करना या पहले से कह देना। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इंसर्जेंसी का मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री बाय फोर्स, मतलब है विद्रोह, विप्लव, बगावत, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जहां पर क्या है कि कोई ग्रुप जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट टू टेक, कोशिश करते हैं जो देश का बागडोर है उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेने का। सिनोनिम कहें इंसरेक्शन, रेबिलियन एंड रिवोल्ट, क्या हो जाएगा? इंसरेक्शन, रेबिलियन एंड रिवोल्ट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें काउंटर इंसर्जेंसी एंड अकॉर्ड, क्या हो जाएगा? काउंटर इंसर्जेंसी एंड अकॉर्ड, इसके एंटोनिम के तौर पर, इंसर्जेंसी के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग इंसर्जेंसी इन द साउथ, क्या है? द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग इंसर्जेंसी इन द साउथ। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इंसर्जेंसी, इसका मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और देयर कंट्री बाय फोर्स, मतलब है बगावत और विद्रोह के अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्जेंसी का, ये एक नाउन है। चलिए अगला जो शब्द है, चलिए उल्टा ही प्रिंट हो गया यहां पर, क्लाउट। क्लाउट जो है वो वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर और हार्ड हिट यूजुअली विद हिज हैंड, मतलब है प्रभाव से, जोरदार प्रभाव, प्रहार से, विशेष करके हाथ के द्वारा, है ना, जोरदार प्रहार सामान्यतः हाथों के द्वारा। क्या है? पहला तो है इन्फ्लुएंस एंड पावर, मतलब किसी को प्रभावित करने के अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्लाउड का। सिनोनिम की बात करें इन्फ्लुएंस, लेवरेज एंड स्वे, क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस, लेवरेज एंड स्वे, एक अर्थ में इसके सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज एन इंपॉर्टेंट मैन, ही हैज अ लॉट ऑफ क्लाउड इन द कंपनी, क्या है? ही इज एन इंपॉर्टेंट मैन, ही हैज अ लॉट ऑफ क्लाउड इन द कंपनी। यहां जो दूसरा शब्द है बेसिकली, चूंकि एनिमेशन में उल्टा हुआ है, दो दिन से बड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्लाउड का मतलब है इन्फ्लुएंस एंड पावर और हार्ड हिट यूजुअली विद द हैंड। चलिए यहां पर जो पहला शब्द है वो एक फ्रेजल वर्ब है, टर्न अवे। टर्न अवे एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब है टू स्टॉप लुकिंग एट समवन और समथिंग और टू नॉट अलाउ टू समवन टू एंटर अ प्लेस और टू रिफ्यूज। ये देखिए यहां पर मिसप्रिंट है, टू रिफ्यूज समवन्स रिक्वेस्ट एंड टेल दैट पर्सन टू लीव। अब यहां पर देखिए तीन अर्थ है और तीनों अर्थ में टर्न अवे का प्रयोग होता है। एक तो सबसे पहले कि किसी की तरफ नहीं देखना, टू स्टॉप लुकिंग एट समवन और समथिंग, मतलब किसी तरफ नहीं देखना। दूसरा क्या है? नॉट टू नॉट अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस, किसी को मना कर देना किसी जगह एंटर करने से। दूसरा है टू रिफ्यूज समवन्स रिक्वेस्ट एंड टेल दैट पर्सन टू लीव, मतलब किसी के रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देना और उसको कह देना कि भाई यहां से चले जाओ, मतलब है नजर हटा लेना, लौटाना और अस्वीकार करना। तीन अर्थ में टर्न अवे का इस्तेमाल करते हैं हम। सिनोनिम की बात करें तो इम्पीड, थॉट, प्रिवेंट एंड एवर्ट, क्या हो जाएगा? इम्पीड, प्रिवेंट, थॉट एंड एवर्ट, एक अर्थ में
टर्न अवे के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो परमिट, अलाउ, इनकरेज एंड अर्ज, क्या हो जाएगा? परमिट, अलाउ, इनकरेज एंड अर्ज, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द एजेंसी टर्न्ड हर अवे बिकॉज शी डज नॉट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। क्या है? एजेंसी ने उनको क्या किया? वापस लौटा दिया बिकॉज शी डजंट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो बेसिकली यहां इस पेज पर जो पहला शब्द होना चाहिए था वो था टर्न अवे। फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है नजर हटा लेना, लौटाना और स्वीकार करना। टू स्टॉप लुकिंग एट समवन और समथिंग, और नॉट टू अलाउ समवन टू एंटर अ प्लेस, और टू रिफ्यूज समवन्स रिक्वेस्ट एंड टेल दैट पर्सन टू लीव। इस अर्थ में हम टर्न अवे का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है क्लाउट, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर। दूसरा है जोर से प्रहार करना, विशेष करके हाथ से। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेमनेंट। रेमनेंट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन। मतलब है किसी चीज का बचा हुआ जो हिस्सा होता है, अ पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन, मतलब है किसी का बचा हुआ टुकड़ा। रेमिनेंट कहने का मतलब है किसी का बचा हुआ टुकड़ा। सिनोनिम की बात करें रिमेंस, लेफ्ट ओवर एंड रेसिड्यू, क्या हो जाएगा? रिमेंस, लेफ्ट ओवर एंड रेसिड्यू। एंटोनिम की बात करें होल, एंटायरिटी एंड टोटल, क्या हो जाएगा? होल, एंटायरिटी एंड टोटल, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं रेमिनेंट के एंटोनिम के। सिनोनिम की बात करें रिमेंस, लेफ्ट ओवर एंड रेसिड्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। दीज फ्यू ट्रीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ अ ह्यूज फॉरेस्ट। क्या है? दीज फ्यू ट्रीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ अ ह्यूज फॉरेस्ट। चलिए अगला जो वर्ड है वो है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्लेस्ड, फॉर एग्जाम्पल इन अ बुक और प्ले, इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री। मतलब है कि काल दोष युक्त, किसी जगह पर जब वो गलत हिस्ट्री, गलत समय को प्रदर्शित कर दे। कह रहा यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्लेस्ड फॉर एग्जाम्पल इन अ बुक और अ प्ले, मतलब किसी किताब में या किसी नाटक में, इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री, मतलब है कि इतिहास के किसी गलत काल का वहां पर बता दे। तो यहां पर जो काल दोष युक्त है, जहां पर गड़बड़ी हो गई कि वो उस समय का नहीं है बट वहां वर्णन कर दिया गया है, उसके लिए यूज करते हैं एनाक्रोनिस्टिक का। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम की बात करें तो आउट ऑफ डेट, आउटमोडेड एंड आर्काइक, क्या हो जाएगा? आउट ऑफ डेट, आउटमोडेड एंड आर्काइक। और एंटोनिम की बात करें करंट, मॉडर्न एंड न्यू, ठीक है, करंट, मॉडर्न एंड न्यू, एक अर्थ में एनाक्रोनिस्टिक के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉस्ट्यूम्स वर एनाक्रोनिस्टिक फॉर अ विक्टोरियन प्ले। क्या है? द कॉस्ट्यूम्स वर एनाक्रोनिस्टिक फॉर विक्टोरियन प्ले। अब देखिए क्या है ना कि मतलब विक्टोरियन जो प्ले है या फिर कोई नाटक है उसके हिसाब से जो ड्रेस होना चाहिए वो किसी और काल का आ गया है, मतलब किसी और समय का। जिस समय, जैसे मान लीजिए कि अकबर के समय का हम कोई नाटक अदा करें और मतलब प्ले करें और वो आ जाए जो अकबर से बहुत पहले थे, या तो आप कह लीजिए दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के समय का कोई है, उसके समय का कुछ आ जाए ऐसा, तो उसमें क्या हो गया कि काल निर्धारण, समय निर्धारण में दोष हो गया, उसके लिए हम एनाक्रोनिस्टिक शब्द का यूज करते हैं। यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्लेस्ड, कहां पर भाई? किताब में या किसी नाटक में, इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री। आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो मीनिंग समझ में आएगा अच्छे से। क्या कह रहा है कि यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज प्लेस्ड इन द रॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इसके लिए हम एनाक्रोनिस्टिक का यूज करते हैं। मतलब है काल दोष युक्त, जहां पर समय में गड़बड़ी हुई है। द कॉस्ट्यूम्स वर एनाक्रोनिस्टिक फॉर अ विक्टोरियन प्ले। चलिए अगला जो शब्द है वो है बेसेट। बेसेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है एंड इसका मतलब है टू अफेक्ट समबडी और समथिंग इन अ बैड वे, किसी को बुरे तरीके से प्रभावित करने के सेंस में, बुरा या हानिकारक प्रभाव डालना, उसके लिए हम बेसेट का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें प्लेग, एफ्लिक्ट, पर्सक्यूट एंड पेस्टर, क्या हो जाएगा? प्लेग, एफ्लिक्ट, पर्सक्यूट एंड पेस्टर, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो असिस्ट, हेल्प, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट, क्या हो जाएगा? असिस्ट, हेल्प, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेसेट के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीम हैज बीन बेसेट बाय इंजरीज ऑल सीजन। क्या है? द टीम हैज बीन बेसेट बाय इंजरीज ऑल सीजन। बेसेट का मतलब होता है टू इफेक्ट समबडी और समथिंग इन अ बैड वे, बुरा या हानिकारक प्रभाव डालना। चलिए अगला जो शब्द है वो है लेमेंट। लेमेंट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब टू हैव और एक्सप्रेस वेरी सैड फीलिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग, किसी के बारे में कोई सैड फीलिंग एक्सप्रेस करना, विलाप करने के अर्थ में, शोक प्रकट करने के अर्थ में, इस अर्थ में हम लेमेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें मॉर्न, डिप्लोर एंड बीमोन, क्या हो जाएगा? मॉर्न, डिप्लोर एंड बीमोन, लेमेंट के सिनोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें सेलिब्रेट, रिजॉइस एंड डिलाइट, चूंकि अब विलाप कर रहे हैं तो उसका जो उल्टा होगा वो सेलिब्रेट करने से होगा, तो सेलिब्रेट, रिजॉइस एंड डिलाइट जो है लेमेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी सेट अलोन वीपिंग लेमेंटिंग हर फेट। क्या है? सी सेट अलोन वीपिंग लेमेंटिंग
her fate. Lament, noun or verb, दोनों तरीके से प्रयोग होता है. इसका मतलब है to have or express very sad feeling about somebody or something. शोक प्रकट करना और विलाप करना, इस अर्थ में हम lament का प्रयोग करते हैं. चलिए अगला जो शब्द है वो है nuisance. nuisance noun की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है a portion, thing or situation that annoys you or cause you trouble. मतलब है कोई आदमी, कोई वस्तु, कोई situation जो आपको इरिटेट करे, उसके लिए यूज करते हैं nuisance. ठीक है, अ पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट अनॉयज यू और कॉज यू ट्रबल, आपके लिए परेशानी खड़ा करे या आपको इरिटेट करे, उसके लिए हम न्यूशंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना. परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, तीनों के लिए लागू है, व्यक्ति के लिए भी, वस्तु के लिए भी, स्थिति के लिए भी, न्यूशंस. ठीक है, सिनोनिम की बात करें अनॉयंस, बॉदर एंड वरी, क्या हो जाएगा अनॉयंस, बॉदर एंड वरी. एंटोनिम की बात करें तो प्लेजर, डिलाइट एंड जॉय, क्या हो जाएगा प्लेजर, डिलाइट एंड जॉय, न्यूसेंस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट इज अ न्यूसेंस हैविंग टू क्यू फॉर एवरीथिंग. क्या है, इट इज अ न्यूसेंस हैविंग टू क्यू फॉर एवरीथिंग, है ना. कई जगहों पर ऐसा होता है ना कि हर चीज के लिए आप कतार में आइए, जहां नहीं भी है वहां भी कतार में आइए, तो कभी कभी ना इरिटेट कर देता है कुछ चीजें, कुछ नियम, कुछ लोग, हमेशा कुछ लोग बक 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 बक, इरिटेटिंग होता है, जरूरी नहीं है फिर भी बोले जा रहे हैं. तो न्यूशंस का मतलब क्या है कि अ पोर्शन, थिंग और सिचुएशन दैट अनॉयज यू और कॉज यू ट्रबल, इसके लिए यूज करते हैं न्यूशंस. चलिए अगला जो शब्द है वो है टॉर्पिडो. टॉर्पिडो एक तो वो बॉम्ब है जो नेवी वाले यूज करते हैं, नाउन की तरह हो गया. तो यहां पर मैंने नाउन और वर्ब दोनों दिया है, लेकिन यहां पर मैंने जो वर्ब के तौर पर लिया है, बड़ा ही मजेदार मीनिंग है इसका, टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कुड सक्सीड. मतलब है कि किसी चीज की सफलता को ना पूरी तरह से खत्म कर देना, सत्यानाश कर देने के अर्थ में हम टॉर्पिडो शब्द का प्रयोग करते हैं, पूरी तरह से नष्ट कर देना. सिनोनिम की बात करें एनिहिलेट, बुलडोज एंड डिवेस्टेट, क्या हो जाएगा एनिहिलेट, बुलडोज एंड डिवेस्टेट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे टॉर्पिडो के. एंटोनिम की बात करें बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड हेल्प, क्या हो जाएगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड हेल्प. चूंकि सत्यानाश की बात कर रहे हैं, बर्बादी की बात कर रहे हैं, तो बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड हेल्प इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं, हर कमेंट्स हैड टॉर्पिडोड द डील, क्या है हर कमेंट्स हैड टॉर्पिडोड द डील. इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है टॉर्पिडो, इसका मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग कुड सक्सीड, मतलब है पूरी तरह से नष्ट कर देना, इस अर्थ में यूज करते हैं टॉर्पिडो. चलिए अगला जो शब्द है वो है रिटेलिएट. रिटेलिएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रिएक्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट समबडी डज यू टू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न. मतलब है कोई कुछ बुरा कर दे, उसके बदले में आप बुरा करिए, उसको कहते हैं रिटेलिएट, मतलब है बदला लेने के अर्थ में, है ना. किसी के दुर्व्यवहार का जवाब कटु व्यवहार से देना, बदले की कार्यवाही करना, इस अर्थ में हम रिटेलिएट शब्द का प्रयोग करते हैं. सिनोनिम की बात करें एवेंज, रिवेंज एंड काउंटर, क्या हो जाएगा एवेंज, रिवेंज एंड काउंटर, रिटेलिएट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. एंटोनिम की बात करें फॉरगिव, एक्सक्यूज एंड लीव, हाँ कोई कुछ कह दिया सुन लीजिए, विपरीतार्थक शब्द के तौर पर यही इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कोई जवाब दिया, गाली दिया, सुन लिए, चुप रहना, माफ कर देना, तो फॉरगिव, एक्सक्यूज एंड लीव रिटेलिएट शब्द के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जांपल देख लेते हैं, द टेररिस्ट रिटेलिएटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट विद अ बॉम्ब अटैक. द टेररिस्ट रिटेलिएटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट विद अ बॉम्ब अटैक. यहां पर जो पहला शब्द इस पेज पर आया है वो है रिटेलिएट, टू रिएक्ट समथिंग अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न. मतलब है किसी के बुरे किए जाने पर बदले में बुरा करना, यानी बदला लेने के अर्थ में हम रिटेलिएट शब्द का प्रयोग करते हैं. चलिए अगला जो शब्द है वो है फ्यूरी. फ्यूरी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और फ्यूरी का मतलब होता है वेरी ग्रेट एंगर, बहुत अधिक गुस्सा होना, उसके लिए फ्यूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एंगर से भी ज्यादा एंगर, तो फ्यूरी कहते हैं अत्यधिक क्रोध और उन्माद, इसके लिए हम फ्यूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं. सिनोनिम कहे रेज एंगर, रेथ एंड आउटरेज, क्या हो जाएगा रेज एंगर, रेथ एंड आउटरेज, फ्यूरी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. एंटोनिम की बात करें काम, सेरेनिटी एंड पीस, क्या हो जाएगा काम, सेरेनिटी एंड पीस, फ्यूरी के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी फ्लू इनटू अ फ्यूरी एट द सजेशन, क्या है सी फ्लू इनटू अ फ्यूरी एट द सजेशन. इस पेज पर जो दूसरा शब्द है फ्यूरी, मतलब है कि एंगर के पिताजी हो गए, वेरी ग्रेट एंगर, फ्यूरी का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध और उन्माद, इस अर्थ में हम फ्यूरी का प्रयोग करते हैं. चले अगला जो शब्द है वो है बिशीज. बिशीज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सराउंड अ प्लेस विद एन आर्मी और यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और एनोइंग. टू सराउंड समबडी और समथिंग इन लार्ज नंबर, मतलब क्या है कि एक तो घेर लेना, आर्मी की मदद से किसी चीज को घेर लेना,
या कभी कभी देखते हैं कोई अगर सेलिब्रिटी वगैरह आ जाए तो लोग सब जो उसको घेर लेता है, जरा बड़ा एनॉइंग हो जाता है उसके लिए, तो उस अर्थ में भी हम इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं, यूज अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और एनॉइंग, क्या है, टू सराउंड समबडी और समथिंग इन अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में किसी को घेर लेना, उस अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सेना की सहायता से किसी स्थान की घेराबंदी करना या घेर लेने के अर्थ में हम बिसीज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो सराउंड, बिसेट एंड एनसर्कल, क्या हो जाएगा, सराउंड, बिसेट एंड एनसर्कल। एंटोनिम की बात करें, असिस्ट, हेल्प, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट, क्या हो जाएगा, असिस्ट, हेल्प, डिफेंड एंड प्रोटेक्ट, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे बिसीज के। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द एक्टर वॉज बिसीज्ड बाय फैंस एंड रिपोर्टर्स, क्या है, द एक्टर वॉज बिसीज्ड बाय फैंस एंड रिपोर्टर्स। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है बिसीज, इसका मतलब होता है टू सराउंड अ प्लेस विद एन आर्मी और यूज्ड अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट और अनोइंग, मतलब है टू सराउंड समबडी और समथिंग इन लार्ज नंबर, किसी को बड़ी संख्या में किसी चीज को या किसी व्यक्ति को घेर लेने के अर्थ में भी हम बिसीज का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है डीकैपिटेट। डीकैपिटेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कट ऑफ अ पर्सन्स हेड, किसी का सर धर से अलग करने के लिए हम कहते हैं डीकैपिटेट। क्या कहते हैं, डीकैपिटेट, मतलब है सिर धर से अलग करने के लिए डीकैपिटेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम बीहेड एंड कट ऑफ, बीहेड एंड कट ऑफ, एक सिनोनिम मुझे दिखा यहां पर, एंटोनिम मुझे क्या करेंगे, अब सर को धर में जोड़ देना, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे यहां पर एंटोनिम कुछ दिखा नहीं तो मैंने डाला नहीं है। डीकैपिटेट का मतलब होता है टू कट ऑफ अ पर्सन्स हेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज डीकैपिटेटेड बॉडी वॉज फाउंड फ्लोटिंग इन कैनाल, क्या है, हिज डीकैपिटेटेड बॉडी वॉज फाउंड इन फ्लोटिंग, फाउंड फ्लोटिंग इन अ कैनाल, है ना, नहर में जो है उसका बिना सर का जो धर है वो पाया गया है, क्या है, हिज डीकैपिटेटेड बॉडी वॉज फाउंड फ्लोटिंग इन अ कैनल। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है डीकैपिटेट, इसका मतलब होता है टू कट ऑफ अ पर्सन्स हेड, मतलब है सिर धर से अलग कर देना। चले अगला जो शब्द है वो है सेक्ट। सेक्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है और सेक्ट का होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स, मतलब होता है ऐसे ग्रुप होते हैं लोगों के जिसके पास एक अपना व्यक्तिगत रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ, एक मान्यता होती है। अ सेक्ट हैज ऑफन ब्रोकन अवे फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, और ये जो सेक्ट बनता है ना किसी बड़े ग्रुप से टूट करके बनता है, इसको कहते हैं सेक्ट, मतलब है पथ या पंथ या संप्रदाय से, कहते हैं पंथ या संप्रदाय से, किसी बड़े पंथ और संप्रदाय से टूट करके बना हुआ जो छोटा होता है जिसके पास अपनी एक पॉलिटिकल और रिलीजियस मान्यता होती है उसको कहते हैं सेक्ट। सिनोनिम की बात करें, कल्ट, फैक्शन, फेथ एंड डिनोमिनेशन, क्या हो जाएगा, कल्ट, फैक्शन, फेथ एंड डिनोमिनेशन, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। पिछले दिन भी मैंने डिनोमिनेशन पढ़ाया था, नाम और संप्रदाय आपको याद होना चाहिए, और उसमें भी एंटोनिम मैंने नहीं डाला था। यहां पर सेक्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बिलीफ्स। अ सेक्ट हैज ऑफन ब्रोकन अवे फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, मतलब है बड़े ग्रुप से टूट करके बनता है और इसकी अपनी एक व्यक्तिगत मान्यता होती है, वो मान्यता पॉलिटिकल और रिलीजियस हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, व्हेन ही वाज 16 ही रेन अवे फ्रॉम होम एंड जॉइंड अ रिलीजियस सेक्ट, क्या है, कि व्हेन ही वाज 16 ही रेन अवे फ्रॉम होम एंड जॉइंड अ रिलीजियस सेक्ट। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सेक्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स, और ये बड़े ग्रुप से टूट कर बनता है, मतलब है पंथ और संप्रदाय। चलिए अगला जो शब्द है वो है फैसिलिटेट, बहुत ही आसान। फैसिलिटेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, किसी चीज को संभव और आसान बनाना, किसी बात को संभव या आसान बनाने के अर्थ में हम फैसिलिटेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है, सिंप्लीफाई, ईज एंड प्रमोट, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई, ईज एंड प्रमोट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम कहें तो हिंडर, कॉम्प्लिकेट एंड हैम्पर, क्या हो जाएगा, हिंडर, कॉम्प्लिकेट एंड हैम्पर, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लें, द करंट स्ट्रक्चर डज नॉट फैसिलिटेट इफिशियंट वर्क फ्लो, क्या है, द करंट स्ट्रक्चर डज नॉट फैसिलिटेट इफिशियंट वर्क फ्लो। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है फैसिलिटेट, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, किसी बात को संभव या आसान बनाना, इस अर्थ में यूज करते हैं फैसिलिटेट का। चले अगला जो शब्द है वो है हाइनस, ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है एक्सट्रीमली बैड और इविल। अब देखिए यहां पर एक चीज गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है स्पेशली ऑफ अ क्राइम, तो अगर कोई भी क्राइम है और बहुत ज्यादा बुरा है तो आप उसके लिए कह सकते हो जघन्य या घृणित, हिंदी में जो शब्द कहें वो जघन्य और घृणित, मतलब ऐसा है एक नॉर्मल क्राइम भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा दुर्दांत, मतलब बहुत अमानवीय हो जाए, जघन्य और घृणित, उसके लिए हम हाइनस शब्द का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता से अधिक नहीं, नहीं ये इसका नहीं है, आप यहां पर लिख लो, ये होगा जघन्य या घृणित, हाइनस का मतलब है जघन्य और घृणित। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं, odious, monstrous and atrocious, क्या हो जाएगा, odious, monstrous and atrocious, इसके synonym के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, admirable, laudable and lovable, क्या हो जाएगा, admirable, laudable and lovable, heinous के
एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हर लाइफ हैज बीन परमानेंटली ब्लाइटेड बाय हिज हाइनस क्राइम। क्या हो जाएगा? हर लाइफ हैज बीन परमानेंटली ब्लाइटेड बाय हिज हाइनस क्राइम, है ना। हर लाइफ हैज बीन परमानेंटली ब्लाइटेड बाय हिज हाइनस क्राइम। तो हाइनस इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है, इसका मतलब है जघन्य, अघृणित, एक्सट्रीमली बैड और इविल। चलिए सेशन का आखिरी शब्द लेते हैं, यह है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है एक्शन टेकन टू इंप्रूव और हेल्प अ सिचुएशन। मतलब है कि किसी जगह पर हस्तक्षेप करने से मध्यवर्त जो बीच में होता है कि सिचुएशन में गड़बड़ी हो रही है उसमें हम जो है इंटरवेंशन के द्वारा जो है उसको ठीक करने की कोशिश करें, हस्तक्षेप करके ठीक करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरवेंशन। मतलब एक्शन टेकन टू इंप्रूव और हेल्प अ सिचुएशन। चरण की बात करें, इंटरफेरेंस मीडिएशन एंड इंटरसेशन, क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस मीडिएशन एंड इंटरसेशन, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने छोड़ दिया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉल्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सेव द स्टील इंडस्ट्री। क्या है? कॉल्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सेव द स्टील इंडस्ट्री। इस पेज पर जो दूसरा जो कि सेशन का आखिरी शब्द है वो है इंटरवेंशन। बहुत ही कॉमन है, चूंकि मेरे लिस्ट में जो मैंने एडिटोरियल में अब तक नहीं मतलब कराया है उसमें ये शामिल नहीं था तो मैंने डाल दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका भी मीनिंग नहीं पता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए, मत नोट डाउन कीजिए, बट एक रिवीजन आपके सामने हो गया। कुछ सिनोनिम्स आ गए यहाँ पर कि इंटरवेंशन का मतलब है एक्शन टेकन टू इंप्रूव और हेल्प अ सिचुएशन, मतलब है हस्तक्षेप करना और मध्यवेत हस्तक्षेप से लीजिए करना यहाँ से हटा दीजिए, चूंकि ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ना, TION है, नाउन लगा है ये। तो एक्शन टेकन टू इंप्रूव और हेल्प अ सिचुएशन मतलब है हस्तक्षेप या मध्यवर्त, इस अर्थ में हम इंटरवेंशन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 22 शब्द रखे गए सबके सब आपके लिए नए थे। वैसे बच्चे जिनके लिए कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पहले से सुन रखा होगा, कोई बात नहीं है, उनका रिविजन हो गया, कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स और एग्जाम्पल उनको देखने के लिए मिला और फिर से जो धूल पड़ी हुई थी मेमोरी पर वो साफ हो गई। तो यहाँ पर इसके बाद आप इसको अब दो चार बार रिविजन करिए एंड देन इसको बंद करिए, सुबह जब उठिएगा तो पहले रिवीजन कर लीजिएगा ताकि ये हमेशा के लिए आपके जहन में रह जाए। देखिए जितना भी सेशन में कराते आ रहा हूं वोकैबुलरी का, उसको एक रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन करना ये। और ये कैसे करेंगे? अगर आप नोटबुक बना रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी आदत है। मैंने कहा है कि जो शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो बार बार चला जाता है, याद किया भूल गए, याद किया भूल गए, सब नहीं भूलते बट कुछ शब्द, तो उसको आप रेड से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, कुछ भी ऐसा वहां पर निशान बना लो कि इसको मुझे जरूर रिवीजन करना है। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपको 15 से ऊपर जाना है, यानी 20 22 25 में लाना है, 23 लाना है, 30 वाले को अगर 25 26 के ऊपर जाना है, 20 के ऊपर जाना है, इतना तो कॉमन है, 15 सबको आ जाता है, 30 वाले को 15 आ जाता है, 25 वाले को 10 12 15 इतना तो सही कर लेते हैं। अगर उससे ऊपर करना है तो वोकैबुलरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए ये एक अच्छी आदत है जो आप मेरे साथ रह करके डेवलप कर रहे हैं। तो उम्मीद तो ये है, ये डेवलपमेंट, ये शब्द, ये सेशन आपको पसंद आता है और आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स, कजन से बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। God bless you.